Bismillahir Rahmanir rahim Dear students, we are discussing adaptations. We have discussed adaptations in response to temperature, in response to wind. Today we will discuss adaptations in response to light. So far as the plants are concerned, you should know that a sensing of light. And the environment is very important for plants. It is important for competition and survival. it is said the response of plants to light is mediated by different photoreceptors. प्लांट्स बेंड और ग्रो डायरेक्शनली इन रिस्पॉन्स टू लाइट जैसे हम शूट की बात करेंगे प्लांट का वो वाला पार्ट दैट मूव्स और ग्रोज टुवर्ड्स द लाइट दैट इज शूट it is above the soil similarly roots usually move away from light towards the soil and this directional moment of plants in response to light this is known as phototropism plants या उनके पार्ट्स जब लाइट को रेस्पॉन्ड करते हैं थ्रू द मूवमेंट ऑफ दियर टिश्यूज दिस फिनोमिन इज फोटोट्रॉपिज्म तो हम बोलेंगे शूट क्योंकि लाइट की तरफ जाता है जमीन से ऊपर की तरफ आता है जमीन के ऊपर जो भी पार्ट आएगा उसको हम शूट बोलेंगे स्टेम है लीव्स है ब्रांच है दैट इज शूट शोज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज एंड रूट नेगेटिव जो रूट जो है लाइट से दूर जमीन के अंदर चला जाता है शूट लाइट की तरफ जमीन से ऊपर आता है शूट पॉजिटिव फोटोट्रॉपिजम दिखाता है एंड रूट जो है ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिजम दिखाता है दिस इज एन अडेप्टेशन सिमिलरली अगर फ्लावरिंग या बाकी डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वेन दे आर रेगुलेटेड इन रिस्पॉन्स टू फोटो पीरियड फोटो पीरियड मतलब द लेंथ ऑफ द डे डे लेंथ हम बोलेंगे if the flowering and other developmental processes of the plant are regulated in response to this photoperiod or in response to the length of the day or day length, this phenomenon is photoperiodism. isbinapar hum plants ko classify karte as short day plants, long day plants, or day neutral plants.

उनकी ड्यूरेशन शॉर्ट होती है उस दौरान ये प्लांट्स ग्रो करते हैं इनकी डेवलपमेंट होती है इनकी इनके फ्लावर्स निकलते हैं जैसे हमारे पास हमारे घरों में होता है वी हैव सम शॉर्ट डे प्लांट्स लाइक इट इज राइस इट इज सोयाबीन it इज अनियन सिमिलरली when the plants flower when day length is above a certain threshold जब दिन में लाइट की ड्यूरेशन ज्यादा होती है I say plants, kopoling a long day plants. For example, it is radish, it is potato, it is lettuce, it is hibiscus. These are long day plants. They flower when day length is above a certain limit. And this is photoperiodism. On the basis of that it is short day plants long day plants. Similarly the plants which are not affected by the length of the day or the duration of the light, they are known as day neutral plants. day neutral plants. <laughs> सिंग एडेप्टेशन इट इज दट मोस्ट लीव अटिव टू चेंज इन लाइट लेवल मतलब ये अगर हम एक प्लांट को जो कि शेड में ग्रो करता है साय में ग्रो करता है ज्यादा उसको हम बाहर निकालेंगे ब्राइट सनलाइट में रखेंगे इट कैन गेट सनबर्न क्योंकि वो प्लांट्स जो डायरेक्ट सन में ग्रो करते हैं सनलाइट में ग्रो करते हैं दे डेवलप ए टफ एपिडर्मल लेयर जबकि वो प्लांट्स दैट ग्रो इन शेड दे नीड टू ऑप्टिमाइज देयर एबिलिटी टू टेक इन सनलाइट उनके एपिडरमाई जो होते हैं वो थिनर होते हैं कभी लीव्स उनके बड़े होते हैं लेकिन एपिडरमाई जो होते हैं उनके जो एपिडर्मिस होते हैं लीफ के लेयर्स जो होते हैं वो थिनर होते हैं सिमिलरली सम्लांट्स टू डिफरेंट लाइट लेवल्स बाय मॉडिफाइंग दियर न्यू ग्रोथ टू सूट द न्यू एनवायरमेंट कहा जाता है कि एक प्लांट अपना लीफ साइज भी ऑल्टर कर सकता है अपना कलर भी ऑल्टर कर सकता है डिपेंडिंग ऑन लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन फॉर एग्जाम्पल कॉमन हाउस प्लांट एक है उसका नाम है फिलोडेंड्रॉन हाउस प्लांट शायद इसमें पिक्चर होगी पिक्चर में इसमें हमारे घरों में पलता है ये हाउस प्लांट है ऑर्नामेंटल है इट इज दैट इट टू प्रोड्यूस लीव्स ऑन लॉन्गर वाइन्स जब लाइट डिम होगी या अगर इसकी वाइन शॉर्ट होंगी तो इसके लार्जर लीव्स होंगे जब लाइट ब्राइट होगी इसके बरक्स अगर हम फेकस प्लांट को डायरेक्ट सन में लाएंगे डायरेक्ट सन से निकालकर डिम लाइट में लाएंगे इट विल शेड सम ऑफ इट्स ओल्ड लीव्स एंड बिगिन टू प्रोड्यूस स्लाइटली लार्जर थिनर लीव्स टू गेट एडेप्टेड टू दिस डिम लाइट ये प्लांट्स जो होते हैं दे अडोप्ट डिफरेंट स्ट्रेटजीज कंप्लीट कम्पीट फॉर लाइट बाकी प्लांट्स के साथ कंपीट करने के लिए ये मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज अपनाते हैं लाइट को हासिल करने के लिए मिसाल के तौर पर एफेमरल्स होते हैं ऐसे प्लांट्स जिनकी जिनका लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट होता है इनको एफेमरल बोलते हैं जो फॉरेस्ट फ्लोर में पलते हैं नीचे शेड में दे हैव लीव्स, ऐसे प्लांट्स हम बोलते हैं एफेमेरल्स ई पी एच ई एम ई आर ए एल एस प्लांट्स दैट आर मार्कड बाय शॉर्ट लाइफ साइकिल बहुत सारे हैं जैसे ब्लड रूट है चिकवीड है क्लैटूनिया है उसको स्प्रिंग ब्यूटी भी बोलते हैं ये यूजुअली डेसेटिस फॉरेस्ट के फ्लोर्स में होते हैं हैव लीव्स इमर्ज फुल्ली फ्रॉम राइजूम्स और बल्ब्स। हम मैं स्प्रिंग एफेमरल्स की बात करता हूं इससे पहले कि ये जो ओवरहेड फॉरेस्ट हैं जो इनके ऊपर हैं उनके लीव्स आ जाए ये उनसे पहले ही इनके लीव्स निकल आते हैं इसी तरह से अमंग प्लांट्स इन अ गिवन एनवायरनमेंट देयर इज अ कांस्टेंट कंपटीशन टू पोजीशन देमसेल्व्स इन सच अ वे दैट दे रिसीव लाइट सफिशिएंट फॉर ग्रो. द प्लांट्स अपने आप को पोजीशन भी करते हैं कुछ प्लांट्स मूव करते हैं एवरी डे. दे टर्न देयर लीव्स टुवर्ड्स द सन जैसे हमारे पास सनफ्लावर है बहुत मशहूर एग्जांपल हमारे पास बहुत आम है टर्म टूवर्ड द्रू आउट दस टू कैच एज मच सनलाइट कहते हैं कि शेड टॉगरेंट प्लांट्स जो होते हैं पह, पहले मैं आपको बताऊंगा ऐसे प्लांट्स जो ज्यादा सनलाइट में ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं heliophytes, plants growing more in sun. and because sunstroke plants there. they're adapted to a habitat. with very intensive insulation because of the construction of its own structure and maintenance बहुत सारे सोलर प्लांट्स हैं जैसे दिस इज थाइमस वलगैरिस दिस इज मैंगो ट्री it is a heliophyte sun stroke plant it needs longer duration of light for its growth and development similarly it is coconut tree yes sugar cane they are all heliophytes they are common उंटेन पास ग्रास लैंड या अदर सन एक्सपोजर्स में ये जो हेलियोफाइट है इनके कुछ स्पेशल फीचर्स है जैसे टेनी लीव है coarse, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था टेम्परेचर की अडेप्टेशन में हमने जब डेजर्ट प्लांट्स की बात की थी वहां हमने कैक्टस देखा था बिल्कुल उसी तरह सकुलेंट्स हमने देखे थे दे हैव वैक्सी प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सेसिव लाइट एंड वॉटर लॉस इसी तरह से वो प्लांट्स विच आर शेड लविंग आई विल रिपीट वो प्लांट जिनको ज्यादा लाइट की जरूरत पड़े उनको हमने बोला हेलियोफाइट्स एच ई एल आई ओ पी एच वाई टी एस मैंने एग्जांपल आपको बोली कोकोनट है मैंगो है शुगर कैन है इसके बरक्स वो प्लांट्स जो शेड में ज्यादा पलते हैं उनको बोलते हैं सायोफाइट है -E साइओफाइट्स। या इनको फोटोफोबस भी बोलते हैं दे हेट लाइट दे हैवैप्टेशन इक लार्जर एंड थिन्नर लीज इनका क्लोरोफिल कंटेंट ज्यादा होता है जैसे हमारे पास एग्जाम्पल इसकी है साइफाइट की इट इज ऑग्जैलिस इट इज ब्लैक पेपर यू कैन सी द पिक्चर लुकअर दिस इज थर्ट्स It is a heliophyte, sun-loving. Similarly, this is mango tree, again a heliophyte, sunstroke stroke plant. This is coconut tree, a sunstroke stroke plant. This is sugarcane, a heliophyte, a sunstroke stroke plant. This is oxalis, triangularis, because is triangle shape. we black pepper, it is not black pepper black coffee plant. या काली मिर्च वाला प्लांट होता है उसको ब्लैक पेपर बोलते हैं दे आर साइट्स शेड लविंग प्लांट शेड टॉलरेंट जो प्लांट्स होते हैं शेड लविंग प्लांट्स जो होते हैं दे ग्रो ब्रॉडर थिनर लीव्स देखो इनके पत्ते जो होते हैं ब्रॉड है लेकिन ये थिन है टू कैच मोर सनलाइट सिमिलरली सम प्लांट्स ओपन दियर लीव्स ड्यूरिंग द डे कुछ प्लांट्स अपने लीव्स को सिर्फ दिन में ओपन करते हैं और इट इज ड्यूरिंग दीज द प्लांट्स कैन कलेक्ट सनलाइट एट नाइट दीज प्लांट्स क्लोज लीव्स टू प्रिवेंट द वॉटर लॉस देयर इज वन मोर अडैप्टेशन अ वेरी गुड अडेप्टेशन इन एपेफाइट्स लुक हियर एपेफाइट लाइक फर्म या ऑर्किड्स

इट इज एन एडेप्टेशन अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे एनिमल्स में आपने देखा होगा आपने डियर देखी होगी टू सीन दर या हमारे घरों में बकरी होती है या शीप होते हैं रखून होते हैं दे है स्पेशल मेंब्रैन ऑन देअर आईज कॉल्ड टैपिटम लिस्टम स्पेशल मेंब्रैन इट इज अयर ऑफ सेल्स दैट सिट्स जस्ट बिहाइंड रेटेना एंड एक्ट लाइक अलाउविंग मोर लाइट इन टू द आई रेटिना के पीछे बैठता है मिरर का काम करता है और इससे ज्यादा लाइट अंदर चली जाती दिस वाई सच अडेप्टन दिस लेयर ऑफ सेल्स अलाउज देम टू सी एट नाइट अगर रात के वक्त इन जानवरों की आंखों पर लाइट पड़ेगी अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा उनकी आंखें चमकती है दे ग्लो ब्राइट ग्रीन इन द डार्क लाइट शाइन इज एट ये इट्स बिकॉज ऑफ दिस दिसम ल्यूसिडम स्पेशल मेम्रैन दिस इज ऑल्सो ब्राइट कार्पेट दिस इज एन एडेप्टेशन या हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी हमने नॉकटर्नल एनिमल्स की बात की थी लाइक अर्थ फर्म दे आर सेंसिटिव टू लाइट दे डोंट हैव आईज बट कैन सेंस लाइट थ्रू लाइट सेंसिटिव सेल्स जिसको हम फोटो रिसेप्टर्स बोलते हैं जो उनकी स्किन में होते हैं दीज गिव द द स्किन कैपेसिटी टू डिटेक्ट लाइट एंड चेंज इन लाइट इंटेंसिटी दैट इज वाई दे रिएक्ट नेगेटिवली टू ब्राइट लाइट ये भी फोटोफोबिक है ये लाइट में ज्यादा नहीं आते दे रिमेन इन बर्रोज ड्यूरिंग द डे टू अवॉइड लाइट इसी तरह से लाइट जो है मुख्तलिफ एस्पेक्ट जो एनिमल की लाइफ के होते हैं उस पर इफेक्ट करती है बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं बर्ड्स हैं फिशेस हैं रेप्टाइल्स हैं हैं आर अडेप्टेड टू लाइट इन रेस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ इन रेस्पेक्ट ऑफ कलरेशन इसको हमने प्लीमेज लास्ट टाइम बोला था माइग्रेशन या रिप्रोडक्शन इवन अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे इट इज सेट द इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिजल्ट इन इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी

मैंने अभी बोला कलरेशन जो होती है लुक ये एनिमल्स जो होते हैं जो ज्यादातर गुफाओं में रहते हैं बर्रोज में रहते हैं पिगमेंट्स पिगमेंट्स उनमें नहीं होते अगर हम उनको बाहर निकालेंगे आउट ऑफ दिस डार्कनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम इट इज सेट दैट द रिगेन पिगमेंटेशन लाइट में आके वो सिकिन पिगमेंटेशन को रिगेन करते हैं आपने देखा होगा जो तो ट्रॉपिक्स में लोग रहते हैं लास्ट टाइम भी मैंने बात की थी आपसे ये अर्थ का ये वाला एरिया है दीज आर ट्रॉपिक्स यहां सूरज की रोशनी तकरीबन साल भर पड़ती है बहुत ज्यादा पड़ती है इन दीज ट्रॉपिकल एरियाज द ह्यूमन इनहेबिटेंट जो हैं, दे How darkly pigmented skin, and this is again an adaptation to sunlight. If adaptation of different types of moments in response to light, it is evident in lower animals. इसको हम फोटोटैक्सिस बोलते हैं लाइट के रेस्पॉन्स में मोमेंट करना एनिमल का इसको फोटोटैक्सिस बोलते हैं जैसे युगलीना है नाम सुना होगा आपने इट मूव टुअर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट इसको बोलेंगे फोटो पॉजिटिवली फोटोटैक्टिक युगलीना को बोलेंगे पॉजिटिवली फोटोटैक्टिक Iskebaraks, many planarians are there. they move away from light. they are negatively phototactic. similarly, when we talk about reproduction in animals, in many animals, for example birds, light is necessary for the activation of gonads. एंड इन इनिशियटिंग एनिमल ब्रीडिंग एक्टिविटीज कहते हैं कि गनेट्स ऑफ बर्ड्स जो है उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है दे आर फाउंड टू बिकम एक्टिव एल्यूमिनेशन जिस पीरियड में लाइट ज्यादा रहती है उस पीरियड में उनके गनेट्स एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग समर एंड ड्यूरिंग शॉर्टर पीरियड ऑफ एलिमिनेशन इन विंटर दीज regress these were some very fine adaptations of plants and animals in response to light and alhamdulillah with this we have completed our third chapter